Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की इटालियन फिल्म द हैंड ऑफ गॉड के बारे में, जो कहानी है फाबियतो नाम के एक लड़के की। और इस फिल्म में हम फाबियतो के अपने बचपन से बाहर निकलकर मच्योर होने के सफर को देखते हैं। 1980 के दौर में फाबियतो अपने माता पिता के साथ नेपल्स में रहता है। उसकी एक रिश्तेदार पैट्रिसिया के बच्चे नहीं हो रहे और इसीलिए वो डिप्रेशन से गुजर रही है। पैट्रिसिया का कहना है कि वो एक लिटिल मंक से मिलकर आई है जिसने उसे आशीर्वाद दिया है और अब वो माँ बन पाएगी। नेपल्स में लिटिल मंक एक रहस्यमय शक्ति है जो किसी को आशीर्वाद या शाप दे सकती है। पर पैट्रिसिया का पति फ्रैंको उसके इस पागलपन भरी बातों से थक चुका था। अपने माता पिता के अलावा फाबियतो के परिवार में एक भाई मार्किनो भी है जो अपनी दुनिया में गुम रहता है, और उसकी एक बहन डेनियला भी है जिसका ज्यादा वक्त बाथरूम में गुजरता है। फाबियतो के पिता सावियरो एक खुश मिजाज आदमी है और उन दोनों का रिश्ता गहरा है। सावियरो का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता गहरा और प्यारा है, और इसलिए वो एक दूसरे से जब तक ठीक से अलविदा ना कहे सावियरो ऑफिस भी नहीं जाता। फाबियतो के ज्यादा दोस्त नहीं है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और वो अपना ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ ही गुजारता है जिसमें उसके माता पिता के अलावा हर कोई अजीब है। एक दिन उस परिवार के लोग एक पिकनिक पर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे और इन्हीं बातों के बीच डिएगो माराडोना की बातें होने लगी। फाबियतो की ही तरह उस परिवार का एक सदस्य अल्फ्रेडो माराडोना का फैन था, और उसने फाबियतो से कहा कि अगर माराडोना बार्सिलोना छोड़कर नेपल्स के क्लब में खेलने नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगा। सावियरो अपनी बहन लुसेला का इंतजार कर रहा था जो उन सबको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती थी, और इसलिए सावियरो ने दो बच्चों को नजर रखने के लिए दूरबीन लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद एक बच्चे ने बताया कि लुसेला वहाँ आ चुकी है पर उसका बॉयफ्रेंड बदसूरत है। जब वो दोनों उस परिवार के पास पहुँचे तो उन सबको पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड आल्डो एक बूढ़ा आदमी है जो बिना मशीन की मदद के बोल भी नहीं सकता, और ये जानकर वो सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते रहे पर सावियरो अपने आप को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाया। एक तरफ जहां पूरा परिवार स्विमिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ आल्डो लुसेला को केक बनाने की रेसिपी बता रहा था, जिसे सुनकर वो परेशान हो गई और वहां से चली गई। और जब आल्डो वही रेसिपी पैट्रिसिया को बताने लगा तो उसने आल्डो की मशीन की बैटरी निकालकर फेंक दी। कुछ वक्त बाद अचानक वहां कुछ सिगरेट स्मगलर्स आए जिनका पीछा पुलिस वाले कर रहे थे। पुलिस को चकमा देकर वो लोग वहां से निकल गए और फाबियतो घर जाते वक्त भी उन्हीं को देखता रहा, क्योंकि उनमें से एक आदमी माराडोना का बहुत बड़ा फैन था। फाबियतो पैट्रिसिया की कंडीशन समझने की कोशिश कर रहा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, और ये बात पैट्रिसिया भी जानती थी। उस रात फाबियतो और मार्किनो पैट्रिसिया की ही बातें करने लगे, और मार्किनो ने उससे पूछा कि अगर उसे पैट्रिसिया के साथ अफेयर रखने और माराडोना के नेपल्स के क्लब में आने के सपने में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेगा, और इसके जवाब में फाबियतो ने कहा कि वो माराडोना को ही चुनेगा। मार्किनो एक एक्टर बनना चाहता था और अपने ऑडिशंस में वो अपने भाई को भी लेकर जाता था। इस तरह फाबियतो अपने आसपास एक नई दुनिया देखने लगा। मार्किनो को कभी किसी ऑडिशन में सफलता नहीं मिलती, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस ऑडिशन से निकलने के बाद उन दोनों भाइयों की नजर एक गाड़ी पर पड़ी, और वहां मौजूद दूसरे लोगों की तरह ही उन्हें लगने लगा कि उस गाड़ी में माराडोना आया है। पर यह बात जब उन्होंने सावियरो को बताई तो उसने कहा कि यह नामुमकिन है क्योंकि माराडोना ने इटली आने से इनकार कर दिया है। फाबियतो की माँ मारिया को भी हंसी मजाक करना पसंद है, और ऐसे ही एक दिन उसने अपनी एक दोस्त ग्राजियेला के साथ एक प्रैंक किया। उसने एक डायरेक्टर की असिस्टेंट बनकर उसे कॉल किया और कहा कि उसे एक फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। ग्राजियेला का परिवार इस सबसे बहुत खुश हो गया, और खुशी में वो मारिया के परिवार से मिलने आए। उनके जाने के बाद सावियरो ने कहा कि उन्हें सच बताया जाना चाहिए और मारिया को अब ऐसे मजाक करना बंद करना चाहिए। वो चारों ग्राजियेला को सच बताने गए, पर उन चारों को ही काफी बुरा भला सुनना पड़ा। मारिया तब भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सिर्फ एक चीज थी जो मारिया को परेशान करती थी। सावियरो का अपनी एक दोस्त के साथ सालों से अफेयर चल रहा था और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस बात से मारिया बहुत टूट चुकी थी। अपनी माँ को इस तरह रोते चिल्लाते देखकर फाबियतो को बहुत बुरा लग रहा था, और वो इस हद तक परेशान हो गया कि उसे दौरे पड़ने लगे। किसी तरह मार्किनो ने उसे संभाला, और कुछ वक्त बाद सावियरो को अचानक एक कॉल आया। उसने अपने परिवार को बताया कि उसे खबर मिली है कि माराडोना को इटालियन क्लब नापोली ने खरीद लिया है,
और अब जब मैराडोना नेपल्स में आकर खेलने वाला है तो उन दोनों भाइयों का सपना पूरा हो गया। अगले दिन फाबियतो का जन्मदिन था, पर उसके पिता ने कहा कि वो उस रात घर नहीं आने वाले, इसीलिए उसे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। फाबियतो ने कहा कि उसके कोई दोस्त ही नहीं है। वो अपने जन्मदिन पर भी खुश नहीं था, पर फिर सावियारो ने उसे मैराडोना के मैच की टिकट्स दी और फाबियतो को ये तोहफा देखकर खुशी हुई। वहाँ से सावियारो उसे उस जगह ले गया जहाँ वो पहली बार फाबियतो की माँ से मिला था। उस दौरान वॉर चल रहा था और उस तबाही में मारिया की खूबसूरती देख सावियारो को उससे प्यार हो गया था। सावियारो से नाराज होकर मारिया ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए सिर्फ मारिया फाबियतो के साथ उसके जन्मदिन पर थी। मार्किनो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल पड़ा था, इसलिए अकेलेपन में फाबियतो को अपने जन्मदिन की खुशी भी नहीं थी। उस रात वो अपने घर से बाहर निकला और एक फिल्म के सेट पर जा पहुंचा, जहां एंटोनियो कापुआनो नाम के एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसे उस रात फिल्म की शूटिंग देखकर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आने लगा और उसकी नजर यूलिया नाम की एक एक्ट्रेस पर पड़ी, मगर वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब फुटबॉल मैच देखने फाबियतो स्टेडियम गया तो उसे वही मैराडोना का फैन दिखा जिसने सिगरेट स्मगलर्स की मदद की थी। उस आदमी का नाम अरमांडो है और उससे और उसकी बहन से फाबियतो की दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद सावियरो घर वापस आया और उसका स्वागत करने के लिए मारिया ने एक प्रैंक का इंतजाम किया, जिसकी वजह से सावियरो बुरी तरह डर गया, पर उन दोनों के बीच की कड़वाहट मिटने लगी। मैराडोना नेपल्स की तरफ से खेलने लगा था और उसकी हर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। 1986 के वर्ल्ड कप के दौरान मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना हाथ लगाकर एक गोल किया था, जिसके बाद उस गोल को द हैंड ऑफ गॉड कहा जाने लगा। अल्फ्रेडो का कहना था कि ये मैराडोना ने जानबूझकर किया है। वो इंग्लैंड से अर्जेंटीना का बदला ले रहा था और उस गुलामी का बदला ले रहा था जो अर्जेंटीना ने सालों तक सहा था। इस बीच मारिया और सावियरो फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे और ये देखकर फाबियतो को बेहतर महसूस होने लगा। दूसरी ओर सावियरो के एक भाई को करप्शन के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी माँ इस बात का दोष उसकी पत्नी को देने लगी। वो पूरा परिवार उसकी माँ से परेशान हो चुका था और इसलिए उन सब ने अपना गुस्सा पहली बार उन पर निकाला। फाबियतो की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो मैराडोना का गेम देखने के लिए स्टेडियम गया और उसके माता पिता एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए घर पर ही रुक गए। वो दोनों एक साथ ही बैठे थे कि तभी उनके कमरे में कार्बन मोनोक्साइड लीक होने लगा और उस गैस की वजह से उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। मार्किनो अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल गया और तब उन्हें बताया गया कि उनके माता पिता की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि मरने से पहले सावियरो ने मारिया का ही नाम लिया। फाबियतो ये सब कुछ सह नहीं पाया और अपने माता पिता को देखने की मांग करने लगा, पर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ना देखना ही उसके लिए बेहतर होगा। मुश्किल से अपने भाई को संभाल कर मार्किनो उसे वहाँ से दूर ले आया, पर अपने माता पिता को खोने की खबर सुनकर भी फाबियतो रो नहीं पाया। सावियरो और मारिया के फ्यूनरल पर हर कोई आया और सब पूछने लगे कि डैनियेला कहाँ है। फाबियतो ने कहा कि अब भी वो बाथरूम में ही है। अल्फ्रेडो ने फाबियतो से पूछा कि वो घर पर क्यों नहीं था, तो उसने कहा कि वो मैराडोना को देखना चाहता था और इसलिए उस रात स्टेडियम चला गया था। ये सुनकर अल्फ्रेडो ने कहा कि द हैंड ऑफ गॉड ने ही उसकी जान बचाई है, वरना वो भी उसी घर में होता जहाँ ये हादसा हुआ। फाबियतो अपने आप को अब अकेला महसूस करने लगा था, पर वो अब तक अपने माता पिता की मौत के गम में रो नहीं पाया। एक रात उसकी बहन ने उसे बाथरूम में बैठे हुए बताया कि सावियरो अपना अफेयर खत्म नहीं कर पाया क्योंकि उसका और उस दूसरी औरत का एक बेटा है। फाबियतो ने कहा कि उसने अब तक ये बात उसे क्यों नहीं बताई थी, तो डैनियेला ने कहा कि वो उस वक्त के लिए रुकी थी जब फाबियतो बड़ा हो जाए। पैट्रिशिया अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी, इसलिए उसे पागल खाने में भर्ती किया गया और एक दिन फ्रैंको के कहने पर फाबियतो उससे मिलने गया। पैट्रिशिया को उसने बताया कि वो बड़े होकर एक फिल्म मेकर बनना चाहता है और पैट्रिशिया ने कहा कि जब वो एक फिल्म मेकर बन जाए तो उसे यहाँ से अपने साथ ले जाए। पैट्रिशिया ने ये भी बताया कि जिस रात वो लिटिल मंक से मिलकर आई थी उस रात उसके और फ्रैंको के बीच सब कुछ ठीक हो गया था और पैट्रिशिया को खबर मिली थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर उसका फ्रैंको से फिर से झगड़ा हुआ और मिस कैरेज होने की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। वो इस बात को सह नहीं पाई और इसलिए उसने फ्रैंको से कहा कि वो उसे एक पागल खाने में छोड़ दे, वरना वो अपनी जान ले लेगी। फाबियतो एक्टिंग की दुनिया में जाने की तैयारी करने लगा और इसलिए वो प्लेज वगैरह देखने लगा, पर चाहकर भी वो यूलिया से बात नहीं कर पाया। वो अपने गम में इतना खोया हुआ था कि उसने फुटबॉल देखना छोड़ दिया और यही बात उसने अरमांडो से कही। अरमांडो उसे बेहतर महसूस करवाना चाहता था और इसलिए उसे अपने साथ ले गया और अपनी बोट में समंदर के बीचों बीच उसे एक नया एक्सपीरियंस दिया।
जिसके बाद फाबिया तो बेहतर महसूस करने लगा। वहाँ से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जो उन्हें बंद मिला और वो दोनों अकेले वहीं बैठे रहे। पूरी रात अरमांडो उसे नेपल्स की उन जगहों पर घुमाता रहा जहाँ फाबिया तो कभी गया ही नहीं, और अगली सुबह वो अपने भाई के साथ एक आइलैंड पर घूमने गया। मार्किनो वहाँ कुछ और दिन ठहरने वाला था, पर फाबिया तो वापस अपने घर जाने लगा। उसने मार्किनो से कहा कि वो दोनों अब अनाथ है और वो रईस भी नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पर मार्किनो तकलीफों के बारे में नहीं खुशियों के बारे में सोचना चाहता था। फाबिया तो भी यही चाहता था, पर अब वो ये नहीं जानता था कि खुश रहते कैसे हैं। ये सुनकर मार्किनो को अपने भाई के लिए बुरा तो लगा, पर उसे उस पर गर्व भी था क्योंकि अब वो सचमुच बड़ा हो गया है। फाबियतो को पता चला कि अरमांडो ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और उसे 15 सालों की सजा मिली है, और एक आखिरी बार अपने दोस्त से मिलकर फाबियतो वहाँ से चला गया और कहने लगा कि वो रोम जाकर एक फिल्म मेकर बनेगा। एक दिन फाबियतो यूलिया का प्ले देखने गया जहाँ फिल्म मेकर कापुआनो भी मौजूद थे, और उन्होंने यूलिया की परफॉर्मेंस के बारे में सबके सामने बुरी बातें कह दी, जिसके बाद रोते हुए वो स्टेज से भाग गई। पहले तो फाबियतो यूलिया को संभालने गया, पर वहाँ से वो कापुआनो के पीछे दौड़ा और उसने कहा कि वो उसकी और बातें सुनना चाहता है और फिल्मों और जिंदगी के बारे में चीजें सीखना चाहता है। उसने बताया कि उसके परिवार के खत्म होने के बाद वो नहीं जानता कि जिया कैसे जाता है, और वो कापुआनो की तरह ही आजाद होकर चीजें महसूस करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि वो फिल्में बनाना चाहता है। इसके जवाब में कापुआनो ने कहा कि हर कोई फिल्म बनाना चाहता है, पर उसके लिए पेशेंस, बहादुरी और दर्द की जरूरत है। वो दर्द फाबियतो के दिल में है ही नहीं, उसके दिल में सिर्फ उम्मीद है एक बेहतर जिंदगी जीने की, और ऐसे फिल्में नहीं बनाई जा सकती। फाबियतो फिल्में बनाने के लिए रोम जाना चाहता था, पर कापुआनो का कहना था कि रोम जैसी जगह सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती है, और अगर उसे इंस्पिरेशन की जरूरत है तो अपने आसपास की दुनिया देखे। कापुआनो ने उस रात उसे वो सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उस रात फाबियतो ने अपने आसपास कहानियों को देखना सीखा और ये सीखा कि जब तक उसके पास कोई कहानी ना हो उसे फिल्में बनाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फाबियतो ने उसे बताया कि उसे उसके माता पिता की लाश तक देखने नहीं दी गई। ये सुनकर कापुआनो ने उसे ये सोचने के लिए कहा कि उसके माता पिता ने उसका त्याग किया है। उसने फाबियतो से कहा कि यही दर्द याद रखकर वो रोम जाए और वापस आए तो सीधा कापुआनो के पास आए और वो दोनों साथ मिलकर फिल्में बनाएंगे। अंत में अपना परिवार और ट्रेजेडी से भरी जिंदगी पीछे छोड़कर फाबियतो अपने घर से निकला और पैट्रिशिया के पास उसे अलविदा कहने गया। उस वक्त पैट्रिशिया ने उसे वो बैटरी दी जो उसने बूढ़े आल्डो की वॉइस मशीन से निकालकर फेंकी थी, और वो आखिरी दिन था जब फाबियतो ने पैट्रिशिया को देखा। डैनियेला अकेली पीछे छूट गई और पहली बार बाथरूम से बाहर आई, पर अब उसके आसपास कोई नहीं था। अपने सफर पर जाते हुए फाबियतो को लिटिल मंक दिखा जिसने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। लिटिल मंक फाबियतो के अतीत की तरह है, और अब अपने अतीत और बचपन को पीछे छोड़कर मैच्योरिटी के साथ फाबियतो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।